बताओ क्या पढ़ा था कल? अरे फिजिक्स तो पढ़ ही रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ठीक है। हो गया था पूरा डेरिवेशन उसका, ठीक है। क्वेश्चंस किए थे उस पर? नहीं किए थे। कितने क्वेश्चंस? दो क्वेश्चन किए थे, है ना, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें कि हमने देखा था कि दो वेक्टर्स एक वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं मान लो वेक्टर पी, और दूसरा वेक्टर जिसको हम लोग कह रहे हैं वेक्टर क्यू, है ना। दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं पी और क्यू, और इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो बाय ज्योमेट्री हम ये कहेंगे कि ये होगा इनका रिजल्टेंट, है ना, राइट। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट। इसकी लेंथ कितनी होगी रिजल्टेंट की? बोलो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। यहां पर मॉड पी क्या है? मॉड पी क्या है? वेक्टर पी का लेंथ, है ना, या कहो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। मॉड क्यू क्या है? वेक्टर क्यू की लेंथ, या फिर वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। यहां पे कॉस थीटा में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, उनके बीच का एंगल है ये थीटा, ठीक है। अब देखो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है ना। तो ये जो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया पी और क्यू को ऐड करने के बाद जो ये रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट का हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, राइट। इस रिजल्टेंट का कुछ डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? तो वो डायरेक्शन देखो, हमेशा सारे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होते, है ना। कुछ डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ही बताओ, है ना। कुछ डायरेक्शन ऐसे भी बताए जा सकते हैं कि भाई ये वेक्टर आर जो है वो वेक्टर पी से किसी एंगल अल्फा पे है, मुझे वेक्टर पी पता है, मैं कहूंगा कि वहां से अल्फा एंगल पर क्या है? वेक्टर आर। तो ये भी डायरेक्शन बताने का एक तरीका हो सकता है ना। तो यहां से अगर मुझे ये एंगल अल्फा कैलकुलेट करना हो कि एंगल अल्फा कितना है, ये जो वेक्टर आर है वो वेक्टर पी के साथ कितने का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर पी से कितने एंगल पर है, अगर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आपको याद होगा कल हमने ये ट्राइंगल बनाया था, है ना। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने के टाइम पे और इसके डेरिवेशन को करते हुए हमने इस तरह का एक ट्राइंगल बनाया था, ठीक है, जिसमें कि ये लेंथ कितनी थी, क्या बोला था इसको हमने, x, और इसको क्या बोल दिया था, y, है ना। x की वैल्यू क्या थी? ये एंगल थीटा आया था ना, ये एंगल थीटा था, क्वेश्चन में दिया गया था ये थीटा। x कितना होगा बताओ? अरे कल ही तो बताया यार, भूल गए, q cos थीटा q sin थीटा होगा ना। x कितना है? ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, x कितना आया था, q cos थीटा, यही कल b था, है ना, आज इसी को क्या लिखा है हमने, q। तो x क्या आएगा, q cos थीटा, y क्या आएगा, q sin थीटा आएगा। अगर मैं यहां पर tan अल्फा लिखूंगा, tan अल्फा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, दिख रहा है ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हम tan अल्फा लिख रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय
बेस। परपेंडिकुलर कितना है, कितना है परपेंडिकुलर वाई। बेस क्या हो जाएगा, मॉड पी प्लस एक्स, मॉड पी प्लस एक्स। अब बताओ वाई क्या था, वाई क्या है, मॉड क्यू साइन थीटा, वाई है मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस एक्स कितना है, मॉड क्यू कॉस थीटा, मॉड क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये टेन अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है टेन अल्फा का। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है ना, देख करके। फॉर्मूला भले ही बहुत खतरनाक लग रहा हो, है ना, मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा, बस सिंपल है। देखो क्या है, हमने फाइंड आउट क्या किया, हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, किसको, कौन से दो वेक्टर्स को ऐड किया, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को ऐड करने के बाद क्या मिला, वेक्टर आर मिला ना, पी और क्यू को ऐड करके क्या मिला, वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना है, अंडर रूट, देखो कितना है, याद करो, अंडर रूट मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस टू मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। ये क्या है, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर आर का पी से कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, और टेन अल्फा क्या है, तो देखो कैसे याद रखेंगे, एंगल किससे लिख रहे, पी से ना, एंगल किससे लिख रहे, पी से, तो ऊपर में आएगा मॉड क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्या आएगा, मॉड क्यू, एंगल पी से लिख रहे तो क्या आएगा, मॉड क्यू साइन थीटा अपॉन मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा। ठीक है, एंगल आप पी से लिख रहे हो लेकिन ऊपर आएगा क्या, मॉड क्यू, ये याद रखना है। ठीक है, जिससे एंगल लिख रहे हैं वो वाला वेक्टर ऊपर नहीं आता है, दूसरा वाला आता है, कौन, मॉड क्यू। क्लियर, मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, यहां पर ये थीटा क्या है, जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया है उनके बीच का एंगल। ये अल्फा एंगल क्या है, ये अल्फा कौन सा एंगल है, पी और क्यू को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट पी से कितने एंगल पर है, वो एंगल है अल्फा। अरे क्लियर है, ये लिख लो यहां पे, टॉपिक डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कॉपी करो जल्दी, हो गया कॉपी, लिखो क्वेश्चन। लिखो टू वेक्टर्स ए एंड बी, two vectors a and b have equal magnitude, two vectors a and b have equal magnitudes, two vectors a and b have equal magnitudes and magnitude of their resultant, and magnitude of their resultant and magnitude of the resultant is equal to magnitude of either vectors, is equal to magnitude of either vectors and magnitude of the resultant is equal to magnitude of either vectors.
फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसको अच्छे से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना। दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम एक काम करते हैं हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को एक कुछ नंबर एज्यूम कर लेते हैं, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा इसका है ना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और वो किसके बराबर है, कोई भी एक नंबर बोलो स्मॉल ए, इसके बराबर है ना। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के है ना। तो ए और बी का रिजल्टेंट जो है उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है ना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल क्या है ना। तो देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब ए और बी को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये थीटा, यही निकालना है ना, यही फाइंड आउट करना है। दिया क्या क्या गया क्वेश्चन में अपने को कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है। मैंने क्या अज्यूम किया कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल ए, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल ए, इक्वल टू अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए क्या आएगा स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये, मैंने क्या किया ए के मैग्नीट्यूड की जगह उसका मैग्नीट्यूड पुट किया, बी के मैग्नीट्यूड की जगह उसका मैग्नीट्यूड पुट किया है ना। अब क्वेश्चन में नहीं दिया गया था कि ए और बी का मैग्नीट्यूड ये है, ये मैंने अपने मन से अज्यूम किया। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया गया था ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने अपने मन से मान लिया कि चलो भाई कुछ तो वैल्यू होगी, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया ए, और फिर क्वेश्चन में उसी के हिसाब से सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया और यहां से अपने को क्या फाइंड आउट करना है थीटा, क्या फाइंड करना है थीटा। अब इसको सॉल्व करो तो ए इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट बताओ टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा है ना, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यार रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहां से हट जाएगा और स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर, क्या आया यहां टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये टू ए स्क्वायर इधर आएगा ए स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट होगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इक्वल टू क्या आएगा बताओ टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसल, ये टू आएगा यहां डिवाइड में है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन बाय टू आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस हाफ। अब ये अपने को पता करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस थीटा माइनस हाफ होती है ना, कब होती है 120 डिग्री के लिए, किसके 120 डिग्री के लिए है ना, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 120 डिग्री। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्टली ऐसे याद नहीं रहता है, चल एक तुम्हें मैं सिंपल सा बात बताता हूं, इसको ध्यान में रखोगे तो याद रहेगा। देखो क्या ये बताओ कॉस थीटा हाफ कब होता है,
60 डिग्री। अरे कॉस थीटा हाफ कब होगा, जब थीटा क्या होगा 60। ठीक, अगर आ गया कॉस थीटा माइनस हाफ कब होगा, ठीक है, तो हाफ कब होता है 60 डिग्री पे, माइनस हाफ कब होगा, तो 180 में से 60 को माइनस कर दो, कितना 120, तो 120 पे क्या होगा माइनस हाफ। एक और एग्जांपल कर लो, कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है, अरे कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री, थीटा 30 होगा तो कॉस थीटा क्या होगा रूट 3/2। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा माइनस रूट 3/2 कब होगा 150 के लिए, अरे रूट 3/2 कब होता है, अरे बोलो एकदम पता नहीं कहां खो जाते हो, कॉस थीटा कब रूट 3/2 होगा, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 30 डिग्री, तो माइनस रूट 3/2 कब होगा, तो 30 को 180 में माइनस कर दो, कितना 150, तो थीटा इक्वल टू 150 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस रूट 3/2। वही चीज यहां भी यूज किया, कॉस थीटा हाफ कब होगा, थीटा इक्वल टू 60 पे, तो कॉस थीटा माइनस हाफ कब होगा 180 में से 60 को माइनस कर दो, कितने के लिए 120 डिग्री के लिए। आया समझ, यहीं पर अगर लिखा मान लो कि कॉस थीटा माइनस 1/√2 कब होगा, जल्दी बताओ, देखो माइनस 1/√2 नहीं पता है तो क्या चेक करो 1/√2 कब होगा, 1/√2 कब होगा थीटा इक्वल टू 45 पे, माइनस 1/√2 कब होगा 180 में से 45 को माइनस कर दो, कितना आएगा 135, है ना, तो थीटा इक्वल टू 135 के लिए कॉस थीटा क्या होगा माइनस 1/√2। क्लियर है ये, तो जब भी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कौन सा एंगल होगा वो, है ना। चलो कॉपी करो इसको फटाफट और डायग्राम बनाओ इसका, ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, क्या आ रहा है आर, ए का भी मैग्नीट्यूड कितना है ए, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है ए, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या है ए, है ना। बनाओ डायग्राम इसका, कैसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, देखो इसका अपने को डायग्राम बनाना था ना, मैंने बोला था कि इसको डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट करो, बनाया डायग्राम नहीं, देखो जिन आप कौन कौन से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये मान लो वेक्टर ए, देखो यहां ध्यान से, ये वेक्टर ए इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल ए, मैग्नीट्यूड है ना कितना इसका स्मॉल ए, वही इसका क्या है लेंथ, है ना, ये वेक्टर ए। अब सेम लेंथ का मुझे क्या ड्रॉ करना है वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है 120। अब इस वेक्टर ए से 120 डिग्री पे, है ना, वेक्टर ए से 120 डिग्री पे, तो इस डायरेक्शन से 120 डिग्री के एंगल पे इधर है ना क्या ड्रॉ करना है वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी। अच्छा वेक्टर बी का भी लेंथ कितना है ए के बराबर, दोनों का लेंथ क्या है सेम, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो ए प्लस बी क्या आएगा रिजल्टेंट, अरे सी नहीं आएगा है ना, क्या आएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये ए का टेल और फिर बी का हेड, दोनों को क्या करेंगे ज्वाइन, तो ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना, तो जो लेंथ इसका वही लेंथ इसका और वही लेंथ इसका, ये क्या बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो किसी को भी मालूम है कि ये एंगल कितना 60, ये एंगल कितना 60, ये एंगल कितना 60, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा ना। तो क्या इसको ऐसे ना सॉल्व करके हम सीधे डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे, कर सकते थे ना सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और रिजल्टेंट का बी मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर है ना,
यही कह रहा था क्वेश्चन में, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता, ये एंगल 60 60 60 आ जाता और ये एंगल कितना आ जाता 120, और यही एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, है ना, कितना एंगल है 120 डिग्री। क्लियर है ये, कॉपी करो, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करो, है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। हो गया, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स P एंड Q आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा। टू वेक्टर्स P एंड Q आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इज √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। The magnitude of vector Q is root two times magnitude of vector P. ठीक है, आगे लिखो, if the resultant of P and Q is perpendicular to vector P, find theta, theta angle find out करना है ना, question आया समझ में, पढ़ो उसे, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आएगा समझ में, है ना। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ो 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 क्वेश्चन, मैं सॉल्व करूंगा, तुम बस पढ़ के क्वेश्चन समझो, समझ जाओ वही बहुत है। ये क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो कि आप पहली बार ऐसे पढ़ोगे तो तुरंत आप सॉल्व कर दो, ये जरूरी नहीं है, है ना, जब मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे सॉल्व करना था। बस बात इतनी है कि जब ये क्वेश्चन अगली बार आपको दिखे तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, अभी तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना, इसको सीखो, जब अगली बार ये क्वेश्चन आप देखो तब आपसे जरूर सॉल्व होना चाहिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी मैंने सॉल्व करके बताया, तो जब अगली बार आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्वेश्चन पढ़ो और उसके मीनिंग को समझो, क्या कह रहा है वो।
देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ, देखो उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कि फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिया, और दूसरा मेथड है ज्योमेट्री का, है ना। तो बताओ किससे सॉल्व करूँ, ज्योमेट्री से या फॉर्मूले से? ज्योमेट्री से, है ना। ज्योमेट्री से क्या होता है, आसानी से विजुअलाइज होता है ना। तो देखो दोनों से सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री से भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। पहले ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं। अब एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और उस लाइन का जो भी मीनिंग है उसको देखो मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ और उसको कैसे ज्योमेट्री में डालता हूँ, है ना। ये सीखना बहुत जरूरी है। अब पढ़ो पहला लाइन क्या कह रहा है, पढ़ो बोलो। टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा। अब इससे अपने को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि थीटा कैसा है, है ना। अब मान लो कि मैंने वेक्टर पी कुछ ऐसा ले लिया, समझते जाना यहां बात को धीरे धीरे। देखो यहां क्या 135, हाँ सही है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। देखो अब सबसे पहले हमने वेक्टर पी ले लिया, ठीक है, वेक्टर पी ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर क्यू। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर क्यू जो है वो पी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डायरेक्शन ऐसे कुछ भी हो सकता है क्यू का डायरेक्शन, है ना। तो अपने कुछ आइडिया इससे नहीं मिल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आया। तो चलो मैंने क्या किया, ऐसे क्यू ड्रॉ कर दिया, है ना। हर बार ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ऐसे क्यू को ड्रॉ कर दिया कि वेक्टर क्यू ये हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट, आगे पढ़ो तो लाइन पढ़ो ना, क्या कह रहा है सीखोगे तभी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इज रूट टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, यही बात है। तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, मैं वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को मैं मान लेता हूं ए, तो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट टू ए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड का रूट टू टाइम्स है। तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या है, यहां देखो बोर्ड पे, किसकी यादों में खोए हो, देखो यार वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड का रूट टू टाइम्स है। तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, तो क्यू का क्या होगा, रूट टू ए, पी के मैग्नीट्यूड का रूट टू टाइम्स, ये वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पढ़ो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, यही कह रहा है ना। पी और क्यू का रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट ड्रॉ करूं पी और क्यू का, तो ये रिजल्टेंट क्या पी के परपेंडिकुलर बना, अरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी और क्यू का रिजल्टेंट यही होगा रिजल्टेंट, तो कह रहा है ये रिजल्टेंट क्या है, पी के परपेंडिकुलर है। तो क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं ना। इसका मतलब कि ये जो आपने क्यू का इधर डायरेक्शन ले लिया था ये सही नहीं है। अब क्यू का इस तरह से आप डायरेक्शन लो कि रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो कैसे लेंगे क्यू, सोचो खुद से सोचो, क्यू किस तरह से लो कि ये रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो जाए, कैसे लेना पड़ेगा क्यू, ऐसे लेना पड़ेगा ना, अरे आया समझ। तो क्यू आपने गलत ले लिया था, समझ में आई बात। इसी तरह से सॉल्व किया जाता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, वहां पर वैल्यू को पुट करते जाओ, जो भी डेटा दिया है उसको बस लिखते जाओ, धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा कि आगे करना क्या है, है ना। तो इसका मतलब क्यू इधर है ना, क्यू इस तरफ है, ऐसे होगा क्यू, राइट, ये क्यू होगा, और जब आप पी के टेल से क्यू के हेड को ऐसे ज्वाइन करोगे
तो ये जो आएगा रिजल्टेंट इनका, वो रिजल्टेंट क्या होगा, पी के परपेंडिकुलर। दिख रहा है ये, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, दिख रहा है। ये पी के डायरेक्शन में गए, फिर यहां से क्यू के डायरेक्शन में गए, तो ये पी के डायरेक्शन में, ये क्यू के डायरेक्शन में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट जितना कि सिर्फ आर को यूज करके आ रहा है ना। तो हम कहेंगे आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अरे क्लियर है ये? अब ये बताओ मुझे, ये लेंथ कितनी है? अरे ये लेंथ कितनी है? क्यू का मैग्नीट्यूड होगा ना, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट टू ए। तो ये लेंथ कितनी है, रूट टू ए। ये लेंथ कितना है, ए। पी का मैग्नीट्यूड कितना, ए। ये लेंथ कितना, रूट टू ए। ये ट्राइंगल कैसा बना, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी और क्यू के बीच का एंगल। तो एक काम करते हैं, ये क्यू, ये पी का डायरेक्शन है, दिख रहा है। अरे पी को ऐसे आगे डिस्प्लेस करोगे, है ना, तो पी का टेल यहां आएगा और क्यू का टेल यहीं पर है। तो पी का टेल और क्यू का टेल जब कोइंसाइड करेगा तब आप लिखोगे पी और क्यू के बीच का एंगल। तो क्या यही एंगल है, अरे यही एंगल है ना पी और क्यू के बीच में, यस और नो? इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एंगल है, इसे मैं कह देता हूं अल्फा। क्या कहता हूं इसे मैं, अल्फा। ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल है, कितना, अल्फा। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा कॉस अल्फा, क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की लेंथ। बेस की लेंथ कितनी है, ए। हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, रूट टू ए। ये ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसल। ये कितना आएगा, वन बाय रूट टू। यहां से अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। कॉस अल्फा 1/√2 कब होगा, जब अल्फा होगा 45 डिग्री। क्लियर है ये? लेकिन क्या क्वेश्चन में अल्फा पूछा गया है, नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल, वो एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा कितना होगा बताओ, ये 45 है तो थीटा क्या होगा, 180 माइनस 45 कितना आएगा, ये 135 डिग्री। ये आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। क्लियर है ये? तो ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग ज्योमेट्री, और इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कॉपी करो, देखो अब फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाओ कि आपको ये सब कुछ भी पता नहीं है, है ना, ना कोई ज्योमेट्री कुछ नहीं है ना। फॉर्मूला जो है ना वो आंखों पे पट्टी बांध के रखता है, आपको देखने नहीं देता वो, है ना। और ज्योमेट्री इस तरह से जब सॉल्व करते हो चीजों को, जब आप समझ के सॉल्व करते हो तो आपको विजुअलाइजेशन होता है, आपको चीजें दिखती हैं कि वेक्टर पी ऐसे गया, ये वेक्टर क्यू है ना, और ये वेक्टर आर। पी और क्यू का रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है, चीजें दिखती है, विजुअलाइज होती है ना। अब ज्योमेट्री से सॉल्व करते हो, जब आप फॉर्मूला यूज करके यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एकदम समझ जाओ बिल्कुल कि अंधे धृतराष्ट्र है ना, कुछ पता नहीं है कहां पी है कहां क्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो और देखो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर पाओ, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, एक लाइन में उसमें भी सॉल्यूशन आ जाएगा फटाफट। ये बताओ मुझे, अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पढ़ा था एक फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था अभी कि ये है वेक्टर पी, देखते रहना ध्यान से, ये है वेक्टर क्यू, ठीक, ये वेक्टर पी वेक्टर क्यू, और ये पी और क्यू का रिजल्टेंट है ना आर। तो बताओ आर पी से कितने का एंगल बनाएगा, अरे आर पी से कितने का एंगल बनाएगा, अभी तो फॉर्मूला बताया यार,
ऐसे बैठ जाते हो बिल्कुल। क्या है फॉर्मूला, कितना होगा टेन अल्फा मॉड क्यू, पी से एंगल लिख रहे तो ऊपर क्या आएगा मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा, आएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि रिजल्टेंट पी के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 का था ना क्वेश्चन में, कि रिजल्टेंट पी के साथ कितने का एंगल बना रहा है 90 का, रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है तो अल्फा कितना दिया गया 90। फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई रिजल्टेंट पी के साथ जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट पी के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल क्या होता है अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है मॉड क्यू साइन थीटा, मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा क्या है पी और क्यू के बीच का एंगल, अल्फा क्या, अल्फा क्या है रिजल्टेंट और पी के बीच का एंगल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट और पी के बीच का एंगल कितना है 90, यानी अल्फा 90, तो टेन 90। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के बारे में भी कुछ कुछ बातें की गई हैं, तो मॉड पी, पी का मैग्नीट्यूड अगर मैंने ए मान लिया तो क्यू का मैग्नीट्यूड क्या रूट टू ए, क्यों भाई क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू का मैग्नीट्यूड पी के मैग्नीट्यूड से रूट टू टाइम्स है, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे देखो यहां पर ध्यान से, ये लिख दिया हमने मॉड क्यू, अभी कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहां पर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, बोल भी मत देना कितनी बार सिखाया है, 1090 क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, 1090 क्या होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड नहीं होता है ना, 10 इंफिनिटी क्या होता है इनफाइनाइट, तो 1090 हो गया इनफाइनाइट, ठीक इक्वल टू क्या आएगा बताओ मॉड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ये बताओ कोई भी चीज इंफिनिटी कब होती है, दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कोई भी चीज इंफिनिटी कब होती है, अरे यार कोई भी चीज इंफिनिटी कब होगी, जब दो चीजों को डिवाइड करेंगे तो ये इनका डिविजन इंफिनिटी के बराबर कब आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो, जब डिनोमिनेटर जीरो हो, जब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तब वो चीज क्या होती है इन्फिनिटी, जब किसी को भी जीरो से डिवाइड करते तब वो चीज क्या होती है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी कब हुआ होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हुआ होगा जीरो, यानी क्या लिख सकते हो आप मॉड पी प्लस बोलो मॉड क्यू कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बोलो, कॉस थीटा कितना आ गया माइनस मॉड पी बाय मॉड क्यू, अरे ये इधर जाएगा तो माइनस होगा और मॉड क्यू से क्या हो जाएगा डिवाइड, कोई दिक्कत। अब यहां पर बताओ मॉड पी कितना है, अरे मॉड पी क्या है मॉड क्यू क्या है रूट टू ए, ए और ए क्या हो जाएंगे, ये क्या आएगा माइनस वन बाय रूट टू, कॉस थीटा माइनस वन बाय रूट टू आया, अभी मैंने बताया था थीटा कैसे निकालेंगे, सिखाया था अभी कॉस थीटा वन बाय रूट टू कब आएगा 45 पे, तो माइनस वन बाय रूट टू कब आएगा 180 माइनस 45 पे कितना 135 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री। सेम क्वेश्चंस यहां पे कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा है, कहां पी कहां क्यू कहां रिजल्टेंट किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया और आंसर है ना, ये मेथड टू, ये मेथड टू। पहला मेथड वन,
क्लियर है ये? कोई परेशानी नहीं? ये डायग्राम मत ड्रॉ करना है ना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का सही डायग्राम नहीं है, ये सही ज्योमेट्री नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट ज्योमेट्री है ना। करेक्ट ज्योमेट्री हमने इसके पहले ड्रॉ किया था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड टू में हमने ज्योमेट्री का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है ना। मेथड टू हमने एकदम धृतराष्ट्र की तरह सॉल्व किया है ना, आंखों पे पट्टी बांध के, कुछ पता नहीं कहां पी है कहां क्यू है, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है, कुछ पता नहीं है ना। सीधे ये फॉर्मूला था भाई कि रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल क्या होता है, यही फॉर्मूला था। रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल क्या होता है, एंगल कितना था 90 है ना। पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। जो पुराने चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना, मोशन इन वन डायमेंशन, आपको वो भी रिवाइज करते रहना है ठीक है। आने वाले टेस्ट में या एक टेस्ट नहीं दो टेस्ट में है ना, दूसरे टेस्ट में उसके भी क्वेश्चंस डालूंगा ठीक है। ऐसा नहीं कि वेक्टर्स चल रहा है तो वेक्टर्स ही आएगा है ना, पुराने जो हो चुके हैं टॉपिक्स उसके भी क्वेश्चंस आएंगे ठीक है पेपर्स में, इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना है ना। बेसिक फॉर्मूले पे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट या बहुत डीप क्वेश्चंस डालूंगा पुराने टॉपिक के, पुराने टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस दूंगा वो बेसिक फॉर्मूले पे होंगे। जैसे कई सारे बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, एवरेज स्पीड का कई सारा फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या क्या था फॉर्मूला? टाइम तक v1 स्पीड से जा रहा है, फिर अगला t टाइम तक भी v स्पीड से जा रहा है ना। तो एवरेज, सॉरी, पहला t टाइम v1 स्पीड से जा रहा है, अगला t टाइम v2 स्पीड से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? v1 प्लस v2 बाय 2। तीन इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 v3 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। t1 टाइम तक v1 से गया, फिर t2 टाइम तक v2 से गया, तो एवरेज स्पीड v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। याद है? दो इक्वल डिस्टेंस s और s, दो इक्वल डिस्टेंस s और s, v1 और v2 स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है ना। तो ये सब याद रखना है, ये शुरू में एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद क्या बताया था याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एक्सेलरेशन वगैरह की चीजें आ गई थी, v=u+at है ना, s=ut+½at², v²=u²+2as, फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कितना था, sn=u+a/2 × 2n-1, nth सेकंड में पार्टिकल कितना चलता है उसका क्या था, n सेकंड में जितना चला माइनस n-1 सेकंड में कितना चला, जैसे 6 सेकंड में पार्टिकल कितना चला, तो 7 सेकंड में जितना, सॉरी 6 सेकंड में जितना चला माइनस 5 सेकंड में कितना चला, वही है 6th सेकंड है ना। 10th सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड में कितना चला माइनस 9 सेकंड में कितना चला, वही है 10th सेकंड है ना। तो nth सेकंड में कितना चला, तो n सेकंड में जितना चला माइनस n-1 सेकंड्स में जितना चला है ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें थी मोशन इन 1D में। फिर आया था फ्री फॉल है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर उसमें कई सारे फॉर्मूले आए, बॉल को हम यू से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, h हाइट से बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे गिरने में टाइम √2h/g, बॉल को अगर हमने h हाइट से ड्रॉप किया तो वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा √2gh, बॉल को अगर u स्पीड से नीचे फेंक रहे हैं तब कितनी स्पीड से हिट करेगा √u²+2gh, बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंक रहे तब ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा √u²+2gh है ना। ऐसे और भी कई सारे फॉर्मूले हैं ना, तो वो सब आपको याद रखना है ना, सब रिवाइज करते रहना याद रखना है ना। फिर डायमेंशंस की भी चीजें याद रखनी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या था,
एमएल टू टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एमएल टी माइनस टू, प्रेशर का प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, याद है प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। कितना था प्रेशर का बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, एम एल माइनस टू टी माइनस, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये किसका होता है, प्रेशर स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, है ना, याद रखो। ये सब रेगुलर प्रैक्टिस की चीजें हैं ना, आप मतलब 15 दिन में 20 दिन में है ना एक बार जरूर इन सबको रिवाइज करो, काइनेमेटिक्स को भी रिवाइज करो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को भी रिवाइज करो, फिर वेक्टर्स तो साथ साथ में चल ही रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस रिविजन में रहोगे तो चीजें याद रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं, है ना। जैसे देखो मुझे याद है ना कोई भी फॉर्मूला, मतलब मोस्टली याद है, ज़्यादा तो मैं भी रट्टा नहीं मारता, है ना, चीज़ों को समझ के पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत कम चीज़ें याद रहती है, लेकिन फिर भी याद है, काम के लायक चीज़ें याद है, तो उतनी आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट तुम्हें मेरे से ज़्यादा याद होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम तो देना नहीं है और आपको एग्ज़ाम देना है ना, तो आपको फॉर्मूला वगैरह मेरे से ज़्यादा याद होना चाहिए, है ना, सारा फॉर्मूला अप टू डेट रखा करो।